हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप जो है किस तरीके से आसानी से घर पे जो है ब्राउन राइस पका सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दो तरीके के राइस आते हैं, तो ब्राउन राइस आते हैं और एक जो है नॉर्मल वाइट कलर के राइस आते हैं। तो हमको जो है ब्राउन राइस क्यों खाने चाहिए, तो उसका सबसे पहला जो है आंसर है कि अगर आपको जो है विटामिन B12 जो है चाहिए अपने खाने में से, तो ब्राउन राइस खाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ब्राउन राइस जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि जो है विटामिन B12 आजकल जो है बहुत कम जगह से मिलता है। मतलब पहले से सालों से जो है मतलब पानी जो है उसका मेन सोर्स था, बट अब क्या है कि हम RO प्लांट्स यूज़ करने लगे हैं, तो उससे क्या होता है कि विटामिन B12 जो है वो उसमें से निकल जाता है, तो हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शंस रह जाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जब आप नॉनवेज या तो किसी प्राणी को खाते हैं तो उसमें से आपको जो है विटामिन B12 मिल जाता है उनके शरीर में से, बट उसके अलावा जो है विटामिन B12 पाने के लिए बहुत ही कम रिसोर्स है, उसमें से एक रिसोर्स है ये ब्राउन राइस। तो अब देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो है कोहिनूर चार मीनार ब्राउन राइस यूज़ किए हैं, और इसमें भी प्रोसीजर पूरी दिखाई है कि इसको जो है 45 मिनट तक जो है इसको भिगो के रखना है, और उसके बाद 15 मिनट के अंदर ये कुक हो जाएंगे। और इसके पीछे भी जो है रेसिपी दी गई है कि खुले बर्तन में और पैक बर्तन जो है ढका हुआ बर्तन उसमें इसको कैसे पकाना है, बट हम यहाँ पे जो है हम माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमने माइक्रोवेव में चलने वाला एक बर्तन ले लिया है, और इसको भिगोने के लिए एक और बर्तन हमने ले लिया है, और यहाँ पे जो है हमने एक छोटी सी कटोरी जितना जो है ब्राउन राइस लिया है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा मतलब पकने के बाद। और यहाँ पे जो है इसको हम अभी जो है भिगोने के लिए रख देते हैं। तो एक कटोरी हमने ली है, और अभी जो है हम इसको ये पूरा जो है अच्छे से अंदर डूब जाए उतना हम पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा स्टार्च और इस पे जो गंदगी जो लगी रहती है वो निकल जाएगी, और थोड़े से ये नरम पड़ जाएंगे। तो अभी जो है इसको हम 45 मिनट तक जो है 30-45 मिनट तक हम भिगो के रखेंगे। उसके अलावा इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, और टेस्ट के लिए जो है फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे। तो बस इतनी ही चीज़ें चाहिए, 1, 2, 3 और 4 पानी। तो अभी आगे की प्रोसीजर जो है हम बाद में देखते हैं, 45 मिनट तक इसको भिगोने के लिए रख देते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारे ब्राउन राइस जो है उसको अप्रोक्सीमेटली जो है 45 मिनट तक भिगो के रखा था। अब इसको जो है इसमें से ये पानी हटा देते हैं, जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हम एक्चुअल में इसको माइक्रोवेव में बनाने वाले थे, बट माइक्रोवेव का जो हमारा बर्तन था वो किसी कारणवश जो है टूट गया है। तो अब हम इसको जो है गैस पे जो है एक दूसरे बर्तन के अंदर इसको पकाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे पकाना है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हमने हमारे ब्राउन राइस को अच्छे से धो लिया है। तो अब जो है हम एक बर्तन जो है इसको गैस के ऊपर रख देंगे, और हमारा ब्राउन राइस जो है एक कटोरी जितने थे थोड़े से हल्के से फूल गए, पानी में भिगो के रखा था इसलिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं ये बर्तन के अंदर। आप चाहे तो प्रेशर कुकर के अंदर भी इसको पका सकते हैं, 5 से 6 सीटी बजाने तक जो है इसको पका सकते हैं, मतलब उतने में ये अच्छे से पक जाएंगे। अगर आपने भिगो के नहीं रखे तो आप 8 सीटी तक जो है बजाएं तो वो अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी, ये वाली कटोरी जो है इतने ब्राउन राइस लिए थे, तो हम इसमें 2 से 3 कटोरी जो है पानी डाल देंगे। ये अच्छे से डूब जाने चाहिए, आई थिंक इतना जो है काफ़ी है। थोड़ा सा और मैं डाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बाद में हमको निकालना पड़ेगा पानी। तो इतने पानी के अंदर जो है काम चल जाएगा। एक कटोरी हमने ब्राउन राइस लिए थे और 2.5 कटोरी जितना जो है हमने पानी लिया है। तो अब इसको जो है इसके अंदर हम नमक थोड़ा सा डाल देते हैं स्वाद के लिए, और थोड़ा सा घी डाल देते हैं। से भी जो है स्वाद अच्छा आता है। चलिए अब गैस को जो है शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो है हम गैस को एकदम फास्ट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा स्लो रखेंगे,
मीडियम से हाई के बीच में, और अब इसको जो है हम ढक के इसको पकाएंगे, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बट अभी चलेगा। चलो अभी जो है इसको हम 10 से 15 मिनट तक जो है मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे, और बाद में जो है अगर अच्छे से नहीं पके हैं तो और 10 मिनट जो है मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है इसको एक बार हम चला देते हैं इस तरीके से, और गैस को जो है अभी हम थोड़ा स्लो कर देंगे। और इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो है अभी इसको पकने में ज़्यादा समय लग सकता है, और पानी जो है मुझे कम दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं पानी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ जिससे कि ये अच्छे से पक जाए, और इसको जो है मैं फिर से ढक दूंगा। और इसको जो है और 10 मिनट तक जो है पका लेंगे। तो नॉर्मल जो राइस होता है उससे ब्राउन राइस को पकाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो चलिए अभी जो है 10 मिनट के बाद इसको एक बार और चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट पानी जो है हमारा छल चुका है, और आप देख सकते हैं हमारे जो है राइस अच्छे से पक चुके हैं, और आप चाहें तो इसको जो है टेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे जो है एक आध राइस को जो है आप हाथ में लेके ऐसे दबाएंगे तो ये दब जाएंगे। तो अब जो है इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद में जो है इसको हम खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है राइस रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली खा सकते हैं दाल के साथ, और या तो दूध के साथ भी आप खा सकते हैं, छाछ के अंदर मिला के भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें से फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो नॉर्मल राइस से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है ब्राउन राइस, तो यही एक इसमें चीज़ आपको दिखानी थी। तो इसको आप ज़रूर खाएं। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आप अगर उसकी गोलियाँ लेंगे, इंजेक्शंस लेंगे, उससे अच्छा है आप ब्राउन राइस खाएं। आपको जो है विटामिन B12 की कमी जो है वो अच्छे से रिकवर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय ब्राउन राइस।